हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हम भी अच्छे हैं, खुश हैं और स्वस्थ भी हैं। अभी ठीक हो गई हूँ, तबीयत मेरी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो यहाँ पे जो है वो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और हीटर लगाया है क्योंकि चूल्हा नहीं जलाया है, क्योंकि चूल्हे से फिर धुएं से एलर्जी हो जा रही है और ये बंद कर दिया है। तो हीटर ही सेक रहे हैं, और साथ साथ में जो है वो सब्जी भी बन रही है और बर्तन वगैरह धोने का काम। शाम का टाइम, रात हो गई है और अभी बस सब्जी बन गई है मेरी। और अभी वेट भी कर रही हूँ मैं अंशु के आने का, क्योंकि वो भी 11 साढ़े 11 बजे तक आ ही जाएगी। तो यहाँ पे काम मेरा हो गया मैक्सिमम ख़त्म। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप, तो मतलब कोई 10 कर बजे का टाइम था, तो बाहर धूप भी सेक रहे थे और सूरज पूरा मुंह के ऊपर पड़ रहा था। तो यहाँ पे अंशु की तबीयत तो ख़राब है, जैसे कि मैंने बताया ये आपको। तो ये भी मैंने इसको बोला कि धूप में सो जा थोड़ी देर, तो इसको भी बाहर जो है वो बिठाया है मैंने। अंशु, राधे राधे। राधे 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 बोला मैंने, राधे। फोन न चलाने हो, ठीक ही है ना? देखा, हेलो गाइस, चाय पी लो घर में, बेड़ियाँ खाई ली हैं, हूँ पेगी लम्मी। मेरा मैं भी सोना हाँ, सारा मन मेरा रुक ही लेगा। सुनो, मैं जानती हूँ आपको, मैं जानती हूँ आपको। नहीं जान दी पूरी, दसो मैं दिजू था राह जो है, दस दियो कौन है, आपको जब मैं पैदा हुई क्या बोलना चाहिए था। इससे पूछ तो लो, उसको बाहर आना है कि नहीं आना है। फिर क्या करते, ना दे दी तू था। वो अंदर डाल देता चुपचाप। अच्छा, उन इतना पढ़ाई लिखाई थी, इतना पैसे खर्चे थे, हैं कने खर्चा दे या ना, उन लगी गलाना तू तो कह जो आंदे पैसे वेस्ट किते, तू पहले गलाई दिंदी जेड़ा बचपन ची, मैं तो बोलने वाली थी, उसने मुझसे बचपन पूछा ची ही गलाई नहीं, उसने दिंदी मुझे तो पूछा ही दिन नहीं, देनी ही आए कुछ क्यों तू। उसने मुझे पूछा ही नहीं। तो कोई नहीं, तो तू पूछा नहीं तो मेरा तो जवाब तैयार है। तो सोची होगा जिंदगी चाहे पता नहीं किया क्या हुई है ना, वो राजकुमारियों सोचा की कुछ तरह नहीं, रहूंगी, जैसे वो ये तो रहता है सोचा कुछ राजकुमार हमारा। मैक्स, मैक्सी, देखो कौन आया, नहीं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांगता है, किस चीज की स्टेटमेंट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अच्छा, कांटा बजूगा, सिग्नल नहीं होगा तो फिर ही होगा इसका। उसके बाद फिर बनाई मैंने रील्स, 3 4 रील बनाई मैंने। साड़ी देख रही थी, और ये मेरी जो साड़ी है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो इसका ना ब्लाउज़ वगैरह जो और स्टिच करवाई, तो इसको डाल के देख रही थी कि कैसी लग रही है। तो ये देखो कैसी है मेरी साड़ी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे रील भी बनाई मैंने और इसको डाल के भी देख रही थी कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो एक लड़का कहाँ सोया है, हेलो कहाँ छोया फ्रेंड्स, मुन्नी, इधर कौन छोया है, इधर कौन, जरा हटाओ परदा, हटा दो जरा परदा, हटा दो जरा परदा, हटा दो मेरी मुंह छोई थी, जगा दिया मेरी मुंह को। तो फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा है, और मैंने फिर से डट्टू बांध लिया अब, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, नहीं बैठा जा रहा है बाहर, क्योंकि आज मौसम भी नहीं ठीक है, ऐसे ही आज बादल से हैं। तो अंदर बैठी थी, और ऐसे मैं बैठी थी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, और मैक्स आया फटाफट से और मेरी शॉल के अंदर ऐसे छुप गया। ये देखो तो अभी जो है वो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद।
उसके बाद बाहर आ गई और बाहर देखो कपड़े वगैरह धो दिए थे। आज शुक्रवार था, शुक्रवार को कपड़े वगैरह भी धो दिए थे सारे। कपड़े तो थोड़े ही थे लेकिन मौसम ख़राब था आज, ठंड भी लगती है बहुत ज़्यादा। हाँ वही और ये यहाँ आके सारा मैं लसन क्यारी में ये जो पट लसन चकाएगा, लसन कुत्ते होना तो चकाएगा, हो गया फैली के सारा। तो यहाँ से लहसुन में ना बहुत ज़्यादा घास हो गया, ये निकाल रही हूँ। और लहसुन तो तभी होगा ना अगर घास वगैरह निकलेगा, तो बार बार घास हो जाता है ये। और इतना धुप्पा भी नहीं पड़ता इस साइड ना, और बहुत ज़्यादा घास हो जाता है। अच्छा आज ना आपने अंशु की बातें सुनी होंगी। अंशु क्या कह रही थी? अंशु बोल रही थी कि मेरे को पैदा करने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि तूने इस दुनिया में आना है कि नहीं आना है। तो वही मैंने भी बोला कि गलती होगी, पूछ लेते तो ठीक था। अब पैसे खर्च कर रहे हैं तो पहले बता देती तो पैसे भी नहीं खर्च करते, क्या कर सकते हैं अब। चलो ये तो एक मजाक था, ऐसे ही मजाक मजाक में बोल रहे थे। अच्छा तो अब इसकी तबीयत में भी थोड़ा फ़र्क है, और एक तो ना घर की वाइब्स भी, मतलब उसका भी फ़र्क पड़ता है बच्चों को ना, कि थोड़ा माहौल का भी फ़र्क पड़ जाता है। और काफ़ी हद तक उसकी तबीयत में सुधार है, और अब तो जब 2-3 दिन में चली जाएगी ये। और फिर चलो ध्यान तो इसको अब खुद ही रखना पड़ेगा। आगे क्यारियों से बाहर क्योंकि ठंड भी लग रही है, और ठंड में तो वैसे ही नहीं काम किया जाता है। और अभी बैठी हूँ अंदर आके, और देखो मैं एक्स फिट से यहाँ पे बैठ के आके, और अंशु जो है वो अंदर सोई है। और अभी मुझे वीडियो का एंड करना था, तो बस जी। फिर आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।